रेवाड़ी की जिला जेल के मुख्य द्वार पर मीडिया के समक्ष शोर और कर अपने जख्म दिखा रही ये महिला इसी जेल में बतौर हेड कांस्टेबल कार्य करता है, जिसे इस जेल में रखी गई एक गाय ने मारा और इसके बाद इलाज करवा कर वहाँ पर ड्यूटी पर पहुंची तो जेल के अन्य कर्मचारियों ने न केवल उसके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया बल्कि सभी ने मिलकर इसके साथ मारपीट की। बात यही खत्म नहीं हुई, सुप्रीडेंट ने इसकी कोविड 19 का उल्लंघन करने की शिकायत करके इसे सस्पेंड भी करवा दिया। मैं डीसी महोदय से, डीसी साहब से, जो कि मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, मैंने उनको कभी नहीं बताया, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे न्याय दी जाए। खट्टर साहब से, विज साहब से, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी। और महिला आयोग में भी मैं इनकी बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक नहीं है, स्टाफ की इंसल्ट होगी। महिला आयोग वाली बोल रही, मैडम इनको मारो, तुम ये किक पे रखने लायक लोग हैं, इनके थप्पड़ मारो, हम खड़े। लेकिन मैं एक आदेशों की पालना करने वाली लड़की हूँ, मैंने नहीं किया, लेकिन अब लास्ट में मैं क्या करूँ, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊँगी सर, और कोई वो चारा नहीं है। दीदी साहब तक मैं जा चुकी हूँ, मैं हैंग हो जाऊँगी, मेरा एक बेटा है और हस्बैंड यहाँ नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, चाय तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरा वैलेट वहाँ पर रह गया गुड़गांव में, हमारी 10-10 दिन की ड्यूटी लगी हुई थी। ये जो मेरी मदद कर रहे हैं वीर सिंह जी, और ये कोई आ जाए तो कहेंगे वैश्यावृत्ति करा, ये करा, इनकी बात देखो गंदे इंसानों की, इनकी लड़कियाँ नहीं है क्या? मैं लड़कियों और महिलाओं के लिए काम करती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इसका अवार्ड मिला है। इस वजह से डीसी साहब के लिए भी ये बोले कि जा बैठ दो, तू डीसी से ही हो ले सम्मानित। डीसी साहब को जब ये गालियाँ दे रहे तो इनकी बताओ, ये तो खुदा हो गए जी। अब आप देखो, अब यह महिला हेड कांस्टेबल गृह मंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी भी दे रही है, अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। सस्पेंड किए जाने के बाद इस महिला हेड कांस्टेबल ने मीडिया के सामने ही अपनी बेल्ट, कैप और बैज सभी कुछ जेल सुप्रिंटेंडेंट की टेबल पर रख दिया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस महिला हेड कांस्टेबल ने जेल कर्मियों पर मारपीट के अतिरिक्त ने केवल अभद्र भाषा के प्रयोग के आरोप लगाया, बल्कि जेल प्रशासन पर कैदियों को मिलने व राशन बेचने जैसे की गंभीर आरोप लगाए। नाम की हेड कांस्टेबल, उसने अभी मीडिया को बुलाया और आरोप लगाया उसने कि एक यहाँ पर गाय रखी हुई है जो अनऑथराइज तरीके से रखी हुई है, और उस गाय के तले इनको मारा, जिसका वो ट्रीटमेंट करा निकली है, तो कोविड-19 के सेक्शन में उसे सस्पेंड करवाया वो अधिकारियों ने, और जेल के कुछ कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की, दुर्व्यवहार किया। क्या सच्चाई है? मनोरमा अभी मुझसे भी मिली थी, मुझसे उसने ऐसी कोई शिकायत नहीं करी कि उसको किसी ने मारा या कोई दुर्व्यवहार करा, और सस्पेंशन वाली बात है जो डीजी हेडक्वार्टर के ऑर्डर हैं जो उन्होंने उसको सर्व करवा दी गई है। लेकिन सर वो यही कह रही है कि मैं अपना इलाज कराने के लिए जब वापस आई तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया। वापस तो आ जाए कोविड-19 का उल्लंघन, लेकिन सस्पेंशन इसकी 19 तारीख को ऑर्डर हो गए थे, इलाज करवाने के बाद ही 21 तारीख को आई है। क्या कारण रख क्या रहा सस्पेंशन के ऑर्डर में लिखा हुआ है जो भी कारण है? सर जो गाय यहाँ पर रखी हुई है क्या वो एक्सरसाइज तरीके से रखी हुई, क्या गाय यहाँ में गाय रखी जा सकती है? गाय यहाँ जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट गाय रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इस तरह से कोई गाय की हमें जरूरत नहीं है। सर वो और भी आरोप लगा रही है कि कर्मचारी उससे वैश्यवृत्ति तक के आरोप लगा रही है, वो जो इससे मेरे सामने अभी मिल के गई है, उसने ऐसी मेरे सामने कोई कंप्लेंट नहीं करी, जो मीडिया से जो कंप्लेंट कर रही है मेरे सामने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं करी जो आपको करी। मनोरमा हेड कांस्टेबल जिला जेल रेवाड़ी, इस संदर्भ में जब हमने जेल सुप्रिंटेंडेंट से बात की तो उन्होंने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जेल में इस महिला के कई परिचित मिलने आते थे जो लॉकडाउन कोविड-19 का उल्लंघन था। इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की गई और 19 अप्रैल को इसे सस्पेंड कर दिया गया। इन्हें अपना इलाज करवाने के लिए किसी ने मना नहीं किया था, इनका सस्पेंशन पंचकुला से किया गया है। इसकी कॉपी उन्हें दिखा दी गई है,